प्रयास कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य महाराज भरत द्वाज के प्रति यह कथा तो भरत द्वाज जी महाराज पूछते कि महाराज मूल राम कथा सुना देते हो, राम कथा सुना देते हो महाराज करके बड़ा निवेदन करते। तो भरद्वाज महाराज के निवेदन स्वीकार करते हुए याज्ञवल महाराज जो है राम कथा नहीं सुनी, पहली शिव कथा सुनते। अब प्रश्न ये पैदा होते हैं प्रसंग में कि भैया जेला जिसे पूछा जाते हैं वे वैसे होकर उत्तर देना चाहिए, जिसे हम आपके गांव धमतरी से हल्दा तक आए तो दो चार जगह रास्ता पूछना भी पड़ गया हमला, भैया हल्दा जाना है यार तो जान कहां से रास्ता कहां है हम लिया तो बते इसके भैया ऐसे जाहू आप तो आप हल्दा पहुंच जाओ और अगर बातला मानते हुए हम आए और आप सबके दर्शन हमला मिल गए। उसने याज्ञवल जी महाराज जो सीधा सीधा राम कथा जब पूछे कि तो राम कथा नहीं बताई, तो याज्ञवल महाराज जो है शिव कथा तो शिव कथा कावर की तो ही तो गोस्वामी जी महाराज से पूछे महाराज ऐसे कावर हो सकते हो तो कही कि रामचरित मानस जो है मुख्यतः तो बहुत सारे कारण है रचना के भी लेकिन कुछ आधार रख गए तो आधार का है समन्वय संगठन युग धर्म और जन कल्याण। ये रामचरित मानस के प्रमुख आधार है। उनमें से ये जो प्रसंग जो मिले हमें हमला वो जो है समन्वय के प्रसंग है। समन्वय किसे तो उत्तर भारत दक्षिण भारत वाली मामला बात है। तत्कालीन समय में उत्तर भारत और दक्षिण भारत आर्यव्रत और द्रविड़ के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष। तत्कालीन व्यवस्था में तीन प्रकार के मानने वाला उस समय आर्यव्रत वैष्णव द्रविड़ जो भगवान शंकर ला और शाक्य जो मां शक्ति ल मानने वाला तीन प्रकार के मानने वाला रीत और वही में विवाद की स्थिति भी थी। तो विवाद के स्थिति में गोस्वामी जी महाराज भी अपन सहभागिता विवाद के दृष्टि से नहीं विवाद ला समाधान के दृष्टि से लिखते। ये रामचरितमानस में कहीं ना कहीं वो बहुत सारे कारण है, उनमें से एक कारण ये भी हो सकते ऐसे संत मन के मानना है कि शंकर जी महाराज के कथा ला कहे के पहली भगवान राम के कथा के पहली भगवान शंकर के कहे चरित्र कहे जाते तो ऐसे काबर कहे तो बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूं राम भगत कर लक्षण है, राम भक्ति के लक्षण क्या है तो राम भक्ति के लक्षण यह बिनु छल विश्वनाथ पद ने भगवान शंकर के प्रेम के बिना भगवान राम से भक्ति नहीं मिल सकती। और लंका कांड में भी यही प्रसंग मिले सुने मिलते हमला भगवान राम रामेश्वर के जब निर्माण करते तो जब रामेश्वर के निर्माण करते भगवान राम तो यही की सभी की शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास ते नर करे कल्प भरी घोर नरक मोह पास। भैया यदि आपला राम की भक्ति चाहिए तो शंकर की भक्ति करे लागे भगवान शंकर की भक्ति करे लागे और भगवान शंकर ने यदि पाना है तो कर लिए रास्ता कौन से हवे तो राम भक्ति करे लक्षण एहू बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू। भगवान शंकर के आपला कथा सुनना जरूरी है। कहीं ना कहीं याज्ञवल जी महाराज भरत द्वाज से परीक्षा लेते कि भैया आप राम कथा तो पूछा था वो यार लेकिन वास्तव में आप राम कथा सुनने के अधिकारी हो कि नहीं हो।
या आपला राम कथा में प्रेम हो सकते कि नहीं हो सके, तो एक लिए क्या करने लगी कि भगवान शंकर की कथा। और यदि भगवान शंकर के कथा आपला अच्छा लगी तो निश्चित रूप से आपला राम कथा भी अच्छा लगे। ओकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है भगवान शंकर की कथा विस्तृत करे हावे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। से लेकर के भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह तक के, यहाँ तक से कि भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म तक के पूरा विस्तृत कथा भगवान के करे हावे याज्ञवल्क जी महाराज। अवन एक पवन भजन यात्रा ओकर बाद में एक कथा में पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल श्री अवर रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। सुमिरन लगन लगाई के मुख से कछु ना बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। हरि का भजन कर ले प्रभु का भजन।
हर राह मोतर में दया रखते वो अपन निशान से लखन सिया राम चंद्र की शिवपद कमल जिन्हें हृदय नाही राम हिते सपने न सुहाए। भगवान शंकर और भगवान राम का समन्वय के प्रसंग तो ऐसे पूछे के कारण का उसके तो याज्ञवल महाराज कथा प्रथम मैं कही शिव चरित बुझा मरम तुम्हारा। महाराज मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको मर्म ही जानना चाहते रहे हम कि वास्तव में राम कथा के अधिकारी है कि नहीं। और पुनः फिर ये प्रसंग के बाद में फिर राम कथा में यज्ञवल महाराज जी आते हैं तो विचार करके देखें यहाँ प्रसंग में लिखे शिव पद कमल जिन्हें ही रति नाही राम हिते सपने होने सोहाए। जिन्हें राम कथा में प्रीत नहीं है राम ते उल सपना में भी नहीं सोहाए। अब विचार करके देखा ना श्री रामचरित मानस में इसे कोई प्रसंग आते का कि राम शिव पद कमल जिन्हें रति नाही जिमें भगवान शंकर के प्रति प्रेम नहीं है वो राम भगत राम हिते सपने होना सुहाई वो सपना में भी राम भी नहीं सुहाए ऐसे कुछ प्रसंग आते का रामचरितमानस में तो ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग आते उनमें से या तो उनमें से कुछ बात रखे के प्रयास करते में हैं। ऐसे तो भगवान शंकर के भक्त रावण रावण जो है भक्त है रावण ला कहेगी इसकी रावण आप भगवान शंकर में कितना प्रेम रखते यार कि इसकी में सबसे ज्यादा प्रेम रखते हो कैसे ज्यादा प्रेम रखते हो तो संसार वाला जब भगवान शंकर की पूजा करते तो क्या करते ज्यादा से ज्यादा पान फूल नरियर चढ़ाते लेकिन मैं है तो इतना बड़े भक्त हावो मैं इतना बड़े भक्त हावो कि मैं तो जब भगवान शंकर की जब पूजा कर दू तो मैं अपन गलल काट के चढ़ा देता हूं इतना भक्त लेकिन लेकिन एक भक्ति तब पता वास्तव में भक्ति कितना करते थे तब पता चलते जब वो रावण जो है दिग्विजय यात्रा करते जब दिग्विजय यात्रा करते तो सब जगह रावण जीते बढ़ जाते सब जगह लड़ाई करे बढ़ जाते रावण जी। लेकिन रावण के मन में ये बात आते
कि यदि मैं यहाँ पूरा जगत विजेता तो हो चुके हाँ वो भुजबल विश्व वश्य करे राखे कोई न स्वतंत्र मंडलिक मनी रावण राज कराए निजमन रावण सब जगह विजय प्राप्त कर चुके लेकिन रावण के मन में ये बात आते कि यदि कोई पूछ दिया जाते सबला जीते लेकिन यदि कोई पूछ दे भगवान शंकर के साथ भी ला जीते हैं इसका तो मोर जगह होकर उतर नहीं रही पाई तो मैं का कहा तो कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्हस जाई उठाए कौतुक में ही कैलाश और एकर पीछे विजन ये रही साबे कि रावण के मन में ये रथे कि कोई व्यक्ति जब भगवान शंकर के चरण लगते पांव पर थे तो किसे पर थे भगवान शंकर के पैर जो है सामने हावे और सामने वाला के सिर जो है झुके हुए होकर चरण लेकिन मैं जब पैर करूं पर हूं तो वैसे ही करूं तो कैसे करूं तो भगवान शंकर के पैर जो है मोर सिर में रह कैलाश पुनि लिन्हस जाए उठा और उठा ले तो विचार करो कि यह पांव पर एक तरीके अटिया खड़े है रावण और कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्हस जाए उठाए और कैलाश ल उठा ले और वो कहा था कि मैं प्रणाम और दूसरा भाव एक ये भी हो सकता था कि प्रणाम कर दूं मैं तो ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर के सम्मान है कि भगवान शंकर के अपमान है तो भक्ति तो ऐसे नहीं हो सकती और दूसरा बात ये है कि रावण जब जगत विजेता होते तो जगत विजेता होए के बाद में रावण ये कही थी भगवान शंकर अपन गुरुला कि महाराज मोर का टाइम नहीं रहा है आप लोग पूजा करवाना रही तो आप कैलाश से लंका हो और लंका में भगवान पूजा कराना है तब लंका नहीं तो माता जी देकर मतलब ये है कि भक्ति भी तोर खंडित है अर्थात भक्ति में कहीं न कहीं अहंकार है भक्ति तोर सार्थक नहीं है तो शिव पद कमलज नहीं नहीं प्रेरा प्रीति तो भगवान शंकर के चरण कमल में प्रेम नहीं है और परिणाम का होते है कर राम ही दे सपन हो न सोहाई राम भी लभीर वह फिर पसंद नहीं करे राम के साथ में तो द्रोह करते फिर और यदि भगवान शंकर से हृदय से यदि प्रेम करती तो राम भगति कर लक्षण एहु बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगति के लक्षण ही अरे कि जब तक से भगवान शंकर के प्रति सच्चे हृदय से तो प्रेम होना चाहिए तो रावण के हृदय में भगवान शंकर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं दीजे तबे तो भगवान राम के प्रति ओकर प्रेम जो है नहीं दी जबकि वो जानत भी दीजिए राम को नरे भगवान हरे करके जानत रही सबे खर दूसन सम मोहि बनवंता तिनहि कुमार न बिनो भगवंता जानत रही थे कि खरदूसन यदि कोई मारने वाला हो सकते तो सिर्फ और सिर्फ भगवान हो सकते भगवान के छोड़ दूसरा खरदूसन मारने वाला नहीं है जानत रही थे तो भगवान हरे करके लेकिन भगवान होए के बावजूद भी कहे जाते कि 14 व्यक्ति 17 समझाए होकर बाद में भी नहीं समझ पा रहे यहाँ तक से कही दी कि नाथ राम नहीं नर भूपाल भुवनेश्वर काल होकर काल महाराज भगवान जो है ना राम जो है साधारण
काल के भी काल है और पूरा भुवनेश्वर के 14 भुवन होते ना, 14 भुवन के एक पति मालिक खड़े वही है, 14 भुवनेश्वर के 14 भुवन के एक पति है और उकर साथ में महाराज आप जो है प्रेम करो दुश्मनी मत करो। भगवान तो अग्नित रवि सस शिव चतुरानन बहु गिरि चरित सिंधु बहु कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ जो देखा सो सुना न काऊ। उद भगवान तो अनंत है, ओकर साथ महाराज आप जो है दुश्मनी मत करो, लेकिन शिवपद कमल जिन ही रति नाही राम ही देश पन हुन सोहाई। हजारों बार कहा थे, 17 बार कहा था वे, 17 बार समझाए के बाद भी तो नहीं समझे आवे रावण। और ये सिर्फ रावण की कथन है, वो तो हमरो बात है ना। हमू मला तो ना जाने कितना बार समझाए जाता है कि भैया राम के भजन कर ले, राम के भजन कर ले कही के वेद पुराण शास्त्र संत मुनि ना जाने आज तक से जीवन में हम लोग के बार नहीं समझाए हुई, लेकिन हम समझे हन का नहीं समझे हावन हमन। तो आवन भैया हम सब समझ जाने एक बार पुनः भजन यात्रा बोल श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम सोई जानिए जो रमता सकल जहान घट घट में जो रम रहा उसी को राम पहचान। मानस प्रेम सज्जन जी लीजिए भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत प्यारा प्यारा सभी प्रस्तुत है। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ कर सारे राम काल मेरे। सभी गाइए, सभी गाइए। पागल पर राम तुम काल मेरे मन हरे काल मेरे मन। राम श्री राम राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम श्री राम श्री राम कौशल्य दुलारे राम, राम श्री राम श्री राम कौशल्य दुलारे राम, राम श्री राम श्री राम सीता राम रघुपति राम हो राजा राम, सीता राम रघुपति राम कथा शिव पुनि पुनि गाई जग जननी के मन यति भाई। राम कथा शिव
कथा शिव गुनि गुनि गाई जग जननी के मन यति भाई। राम कथा शिव गुनि गुनि गाई जय हो जग जननी के मन यति भाई। ब्रह्मा गणपति गण नारद ने ब्रह्मा गणपति गण नारद ने तन्मय किया श्रवण कमल जिन्ह ही रति नाही राम ही ते सपने होता सोहाई। भगवान शंकर के जेकर चरण कमल में प्रीत नहीं है वो भगवान राम सपन में भी अच्छा नहीं। तो ये समन्वय करे बर भगवान राम जो है स्वयं जिस समय लंका की यात्रा करते रामेश्वर की निर्माण करते और रामेश्वर के निर्माण करे के पीछे उद्देश्य क्या है तो किसकी लंका के विजय तो एक प्रमुख में से है ही लेकिन साथ ही साथ में ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज युद्ध जो होता है भगवान राम और भगवान शंकर के द्वेत के वजह से वस्तुतः दोनों नहीं अलग नहीं एक ही है। भगवान राम लोग पूछे कि महाराज आप रामेश्वर के निर्माण करे हो तो रामेश्वर के तात्पर्य का है रामेश्वर का है महाराज तो किसकी राम अस्य सह रामेश्वर जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। और भगवान शंकर ने पूछे जी कि महाराज रामेश्वर के तात्पर्य आपका समझते हो राम ईश्वर रामेश्वर जो शिव का श्रेष्ठ है आराध्य है वही रामेश्वर है।
तो रामेश्वर के निर्माण भगवान शंकर करते होकर बाद में एक बात और बोली, जो रामेश्वर दर्शन करे ही ते तनु तज मम लोक सिधरे ही, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पावे। जे व्यक्ति जो है भगवान रामेश्वर के दर्शन कर ही वो व्यक्ति जो है ते तनु तज मम लोक सिधरे, वो जो है मोर लोक में सिध आही। और जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाई वो व्यक्ति सायुज मुक्ति पाए। मुक्ति चार प्रकार के हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सायुज मुक्ति। सायुज मुक्ति जो है भगवान में ही मिले, सामीप्य मुक्ति भगवान के पास रहना, सारूप्य मुक्ति भगवान में रूप में आकर्षित हो जाना। और सीधा सीधा एक साकेत, तो ये चारों मुक्ति जो पाई। और एक तात्पर्य एक और महत्वपूर्ण है, जो गंगा जल आने चढ़ाए, तो गंगा जल कहाँ मिली आप लोग? उत्तर भारत में। और रामेश्वर कहाँ है? दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत के व्यक्ति गंगा जल लेकर के दक्षिण भारत में आए, और दक्षिण भारत के व्यक्ति जो है गंगा जल लेकर उत्तर भारत में आए, ओकर बाद में फिर दक्षिण भारत आए घर आए। तो दोनों में एक दूसरे में द्वेष नहीं, बल्कि अनुराग हो जाए, राग हो जाए। तेकर से देखी किसी वो पद कमल जिना ही रति नाई, राम ही देश पने हो न सोहाई। पीला बत्ती सारा चल हो चुके हावे, आपसे विदा लेके और बहुत बहुत आभार मानता हूं मैं आयोजक समिति के कि हमला दूरस्थ अंचल से आप अपन गांव में बुलाओ और अपन हृदय रूपी मंच में स्थान दे। और निश्चित रूप से उतना सम्मान के पात्र नहीं रहे, लेकिन आप बहुत ही सम्मान दे। मैं आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद करता हूं। और हमारे सामने बहने बैठे मोर माता मन, मोर भैया मन, पिताजी के तुल्य ओकर मन से भी मैं हाँ बहुत बहुत आभार हाब। और आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ कि मोर वाणी से यदि कोयला बुरा लगी सो ही, तेकर मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। और यही मंगल कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन जो है मंगलमय हो, और आप सबके प्रति भगवान जो है स्नेह रखे, और आप सब में भगवान के चरण में प्रेम हो, यही मंगल कामना के साथ आप सबसे विदा एक प्यारा भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो, मन में राखो धीर, कार्य वही सुधार है, कृपा सिंधु रघुवीर। आइए सज्जन जन, एक कबीर साहब का प्यारा सा भजन प्रस्तुत है। जर धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी। राम गाड़ी
गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाबी हो गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाबी गाड़ी बैठन वाले राम भैया राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी अटकी पड़ी रेत में मंजिल है बड़ी दूर हो गाड़ी अटकी पड़ी रेत में मंजिल है बड़ी दूर हो गाड़ी अटकी पड़ी रेत में मंजिल है बड़ी दूर हो गाड़ी अटकी पड़ी रेत में मंजिल है बड़ी दूर हो धर्मी धर्मी पार उतर गयो धर्मी धर्मी पार उतर गयो पापी चकनाचूर भैया राम गाड़ी वाले धीरे 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 गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले लखन सिया राम चंद्र की जय।